अत्यंत शोक का वातावरण है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सुंदरलाल जी पटवा आज हमारे बीच नहीं है। पूरा देश और हमारा मध्य प्रदेश, जिनके ऊपर उनका अपार स्नेह था, सब दुखी हैं और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में जगह दें। हम परम श्रद्धे सुंदरलाल जी पटवा के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। हम सबके पितृपुरुष वटवृक्ष के रूप में हम सबके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद की छाया बरसाने वाले ऐसे हमारे आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी अब हमारे बीच नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस अपूर्णीय क्षति को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। हम सब युवाओं को भी हमेशा आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से उनके श्री चरणों पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आए हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी का सर्वास हुआ है। ये हमारे प्रदेश के नहीं, हमारे देश के नेता थे। इन्हें देश के लिए बहुत कुछ किया, प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया। आज जो कुछ है हम लोग पटवा जी की वजह से। हम जब चुनाव 90 में चुनाव जीते थे गोटे गांव से, उसमें पटवा जी मुख्यमंत्री थे। पर हम लोगों को पटवा जी का लाड़ प्यार बहुत मिलता रहा। कोई भी काम हम लोग निराश से बोलते रहे, पटवा जी करते रहे। आज पटवा जी नहीं हम लोग के बीच में, तो बहुत दुख हो रहा है।